नमस्कार। तो आप मेरे पीछे जो दुर्ग देख रहे हैं, ये है कलिंजर दुर्ग। और आज हम लोग आप पहुँचे हैं कलिंजर दुर्ग। इस मौसम में, ये सावन का महीना चल रहा है, आखिरी सोमवार और कुछ ही दिन में शेष होने के लिए बचे हैं। और आज मौसम बहुत ही सुहावना है, आप देख रहे हैं चारों तरफ बादलों से छाया हुआ ये जगह। और हम लोग अभी नीलकंठ मंदिर के ऊपर हैं। कलिंजर दुर्ग के बारे में आपको मैं बता दूँ कि कलिंजर शब्द जो है, भगवान शिव का नाम कालिंजर था और उससे सब कलिंजर जो है अपभ्रंश होके बना। इस जगह पे आप बोले पौराणिक काल से लेकर और अब तक इस करंट इतिहास तक अभी भी इस दुर्ग का औचित्य बना हुआ है। तो इसमें एक मृग झरना है, और या मृग झरना है जहाँ पे मृगों का अंकन है। तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मी में भी लेख मिलते हैं, उससे पता चलता है कि ये मौर्य काल से लेकर, गुप्त काल से लेकर इस जगह चर्चित रही है। और ये विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित है जगह, विंध्याचल पहाड़ जो है वहाँ पे क्लिफ पे स्थित है, बहुत ही स्टेडिक लोकेशन पे है और बहुत ही सुंदर किला, करीब 5.7 किलोमीटर के परकोटे में फैला हुआ है ये दुर्ग। हम जब कलिंजर आए तो हमने यहाँ पर गेट से एंट्री की और हमने वहाँ से टिकट लिया। टिकट का जो चार्जेस हैं वो करीब 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। और साथ ही मुझे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का एक छोटा सा एक बुकलेट जैसा दिया गया, जिसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इस किले का इतिहास क्या था, उसके मुताबिक क्या है। विंध्याचल की सुरम पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कलिंजर दुर्ग चंदेल साम्राज्य का शक्ति का केंद्र था। इसके पश्चिम में यमुना की सहायक बागिन नदी है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से साफ साफ दिख रही है। और कलिंजर शब्द कालिंजर का अपभ्रंश है, कालिंजर जो कि शिव का एक नाम है। कलिंजर दुर्ग प्रारंभ में चेदी जनपद के अंतर्गत रहा। परवर्ती काल में यहाँ कई राजवंशों तथा पांडु, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, कालचुरी आदि का शासन रहा। इस दुर्ग ने कई आक्रमणों का सामना भी किया, जिसमें सबसे जो चर्चित आक्रमण है उसको आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने करीब 1545 में यहाँ पर आक्रमण किया था। उसने एक किला तो जीता, बट उसके इस अभियान में एक युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु भी यहाँ हो गई, जिससे हमारा जो एक इतिहास है, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, मुगलों को परास्त करके अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन वहाँ पे उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके बेटे वापस गद्दी में बैठे, लेकिन वो ज़्यादा समय राज्य को चला नहीं पाए। तो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट यहाँ से इस कलिंजर दुर्ग से आता है। लेटर ऑन ये दुर्ग मुगलों के पास चला गया, फिर अंग्रेजों के पास चला गया और फिर वापस महाराजा छत्रसाल ने इस दुर्ग को जीता और यहाँ पर अपना शासन किया। इस दुर्ग का सबसे चर्चित स्थान है वो यहाँ का नीलकंठ महादेव का मंदिर। और यहाँ पर आज अभी हम लोग सावन के महीने में यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर कई श्रद्धालु पूजन अर्चन और भक्ति भाव से यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तालाब भी हैं, बहुत सारे महल हैं, मंदिर हैं। यहाँ पर जैसे एक कोटी तीर्थ तालाब है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण अगर वहाँ पर नहा लें तो उनके कई सारे चर्म रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। तो वो तो रही एक बात कि इस दुर्ग में इतिहास, मान लीजिए पुराणों से लेकर आज तक में इतिहास में एकदम अनोखा और रहस्यमय चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमने यहाँ पर आकर हमारा कुछ उद्देश्य और था, तो आज हमने जर्नी प्रारंभ की रात को। कल सिंगरौली से हम चले और रात को हमने यहीं पर कलिंजर में विश्राम किया, नहाया धोया और सुबह सुबह ही हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग यहाँ पर बर्ड्स देखना चाहते थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे हमने यहाँ पर कई तरह की बर्ड्स देखी थी। हमने सोचा कि हम यहाँ पर बर्ड्स देखते हैं, मौसम बहुत सुहाना है, चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ पर बर्ड वॉचिंग करना शुरू किया। तो हमने बहुत तरह के यहाँ पर बर्ड हैं, जो कि ऊंचाई पर जगह है, सबसे यूनिक बर्ड मान लीजिए बंटिंग है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी है यहाँ पर। इस बार तो नहीं दिखे लेकिन लास्ट टाइम हमको दिखे थे। साथ ही साथ यहाँ पर बैबलर तो आपको दिख ही जाएंगे, स्राइक बहुत सारी हैं, वल्चर्स भी हैं और इंडियन फाउल मतलब पीकॉक्स तो बहुत सारे ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे टेम्पल हैं। तो हमने आज ये बर्ड वॉचिंग एक्सप्लोर किया और एक ही अद्भुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस सब किले में आए तो केवल मंदिरों को ना देखें, यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर फ्लोरा फूना, पक्षी, पौधे, झरने, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। और चलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में, आपसे आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।